तिल की खस्ता गचक बनाने के लिए चाशनी तैयार हो रही है। और गुड़ कितना डाला है? डेढ़ किलो चीनी, डेढ़ किलो गुड़ है। डेढ़ किलो चीनी और डेढ़ किलो गुड़। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट हो गए। 5 मिनट। चाशनी तैयार करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब लगभग चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको पट्टी भी डालेंगे। ठंडी होगी अभी है। हाँ, अभी गर्म है। अभी तो बहुत गर्म है, अभी ठंडी होगी जब उसमें कितनी किलो पे। जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी इसे ठंडा किया जा रहा है इस पट्टी पे। तो इसे खींच खींच कर रबड़ की तरह पूरा एकदम से सॉफ्ट कर लिया जाएगा। अब इसे आप देख सकते हैं किले पे ना बड़ी ज़ोर ज़ोर से इसे खींचा जा रहा है, तो इसका रंग भी चेंज होने लगे हैं। होगी तैयार भैया? होगी होगी भैया। इसे खींचा क्यों जाता है? इसको सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने के लिए? हाँ जी। तो ये अभी ये तैयार है? ये अभी तैयार है। इधर भैया तिल गूंद रहे हैं। कितना तिल लिया भैया? 1 किलो तिल है। 1 किलो इसे गूंदा जाएगा। कितनी देर गूंदा है भैया? 5 मिनट। 5 मिनट तक ब्राउन होने तक तिल तैयार हो गया भून के। भैया इसे कूटा क्यों जाता है? इसको सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने के लिए? हाँ जी। तो ये लकड़ का हथौड़ा है जिससे इसकी कुटाई हो रही है। तो काम बिल्कुल एकदम से साफ सफाई से किया जाता है यहाँ पे। तो अब इसकी और कुटाई हो रही है। देख सकते हैं दो बंदे इसको लकड़ के हथौड़े की मदद से कूटने में लगे हुए हैं पूरी एनर्जी के साथ। अब क्या होगा भैया? इसको काटा जाएगा कटर से। कटर की मदद से काटा जाएगा। कटर दिखा दो भैया पहले थोड़ा। तो ये कटर है जिसकी मदद से इसे काटा जाएगा। थोड़ा जोर लगा के कटर की मदद से इसे काटा जा रहा है बिल्कुल बराबर बराबर पीस में। तो अभी इसे रोल किया जा रहा है एक एक पीस को। रोल करने के बाद इसकी डब्बों में पैकिंग होगी। नाम क्या है इसका? सत्याराम मुरैना गचक भंडार। सत्याराम मुरैना गचक भंडार। मुरैना गचक भंडार।